ओके जी, जब भी कोई चाइनीज लर्न करता है, कोई भी फॉरनर, तो जैसे इंग्लिश आप लर्न करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है, और कहा जाता है कि आप टेस्ट देते हैं आइट्स का, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं। तो सेम एज मैनर चाइनीज में भी इसका बेसिक जो होता है, ये HSK कहते होते हैं हम, आर्ट्स की तरह का एक ऑफिशियल एग्जाम होता है इंटरनेशनली। और ये जो बुक मैंने आपके सामने शो की हुई है, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, हांबा यूनिवर्सिटी जो चाइना की है, ये पूरी दुनिया से एग्जाम लेती है चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। ये जो HSK है, इसे कहते हैं हानयू शुइफिंग काओशी, मीन चाइनीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसी का सिलेबस जो सा जो हम फॉलो करेंगे, वो यही जो हांबा यूनिवर्सिटी ने हमें दी है, उसी को हम फॉलो करेंगे, ताकि कल को जब स्टूडेंट्स ये करता है, तो इसके बाद आगे इंटरनेशनली एग्जाम में भी अपेयर हो सके। HSK 1 का जो मैं कह रहा था, तो इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, HSK 1 to 6 लेवल्स होते हैं। तो ये आपका बेसिक लेवल होगा HSK 1, इसमें बेसिक वोकैबरी होगी, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, और बेसिक ग्रामेटिकल पॉइंट कुछ होंगे, वो आप करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, कि ये जो HSK 1 होता जी, वो जी HSK 1 जो है, इसमें 150 वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मतलब मैं जब टीच करता होता हूँ, तो 700 1000 तक वोकेबरी कर लेते हैं, लेकिन इस डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स के स्टूडेंट कितना विलिंग है। सो बाकी जो नेक्स्ट लेवल होता है, उसमें 300 होते हैं, HSK 3 में 600 वर्ड्स होते हैं, और 5 4 में 1200, और 5 में 2500 राउंड अबाउट मतलब वर्ड्स होते हैं। टोटल इसके 6 लेवल्स होते हैं, तो 6 लेवल तक आपको 5000 अगर वर्ड्स आते हैं, तो आप एज अ ट्रांसलेटर भी वर्क कर सकते हैं। और जो चाइनीज यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है, वो लेवल 4 होती है। तो अभी हम, क्योंकि बेसिक ये है कि हमारा टाइम भी शॉर्ट है और बेसिक नहीं होगी, तो ये हमारे पास कुछ कंटेंट है, इसको देखिएगा जी। जी अभी 30 मिनट्स तक क्लास मेरी। हाँ, इधर से आप कलेक्ट कर लें जो आपके अपने, आई एम रियली सॉरी। अभी जी कंटेंट्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो बेसिक कंटेंट्स है, बेसिक ग्रीटिंग्स हम लर्न करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। ये एक लेसन है, इसमें जो बेसिक है चाइनीज की, लेसन 1 और 2, इन दोनों में चाइनीज की बेसिक है, इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से करना है। इसमें बेसिक ग्रीटिंग्स होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, उसमें हम इंशाल्लाह जी ओके, नेक्स्ट में हम करते होते हैं कि बेसिक जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आ जाती है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस करते होते हैं, और इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाता है कि आपका नेम क्या है, आप किस कंट्री से हैं, और उसके बाद और थोड़े से कम्प्रिहेंसिव टाइप। ये इसी तरह इसके टोटल 15 लेसन्स हैं, जो हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग जो हमारे पास टाइम है, इसमें कवर करवा दूंगा मैं आपको। सो नेक्स्ट जी, हम लेसन 1 की तरफ आते हैं। सो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हर लेसन कोई ना कोई मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड होगा। सो फर्स्टली जो आज हमारा है जी, फर्स्ट पार्ट, ये हमारा जो चाइनीज, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, तो हम जब मिलते हैं आपस में, तो हम कहते हैं सलाम अलैकुम। तो और इंग्लिश, जब अंग्रेज गोरा मिलता है आपस में, तो वो कहता है जी हेलो, तो उसका आंसर क्या होता है? वो कहता है सिंपली हाय। और जब हम मिलते हैं, तो हम कहते हैं सलाम वालेकुम, तो नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है? वो कहता है वालेकुम सलाम। तो सेम एज मैनर चाइनीज में भी क्या है, चाइनीज वो स्पीक करते होते हैं नी हाओ, नी हाओ। इसको हाँ मैं जी इसको मैं उर्दू में भी राइट करूंगा, नी हाओ, ताकि आप इस जी। अब इसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम आगे जाकर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर हैं, आप हम किस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्टली तो मैंने बेसिक ये ग्रीटिंग्स आपके साथ शेयर किए, कि जब भी आप चाइनीज से मिलेंगे, आप कहेंगे नी हाओ,
तो वो भी आंसर करेगा नी हाउ हाउ वेरी गुड एक्सीलेंट वंडरफुल. सो अगर आप किसी एल्डर से मिलते हैं, अब चाइनीज में ये भी है, जैसे हमारे पास हम आपस में मिल रहे होते हैं तो हम और तरह की सेंटेंस या वोकैबुलरी यूज करते हैं, और जब हम किसी एल्डर से मिलते हैं तो हम कहते हैं आप का लफ्ज यूज करते हैं. तो सेम एज मैनर चाइनीज में भी इसी तरह का, चाइनीज में हम यूज करते हैं निन हाओ एन आई एन निन. इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ जी, आप कंफर्म कीजिए क्लियर है जी. जी ओके. निन हाओ इसको हम स्पीक करेंगे निन हाओ. ये कब हम यूज करते हैं, जब हमारे से एज में कोई बड़ा हो जी, कोई एल्डर हो, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या कोई भी आपके एज से ज्यादा हो, तो उसे आप यूज करते हैं निन हाओ, और वो आंसर करेगा नी हाओ आपसे. सो नेक्स्ट, अगर एक से ज्यादा पर्सन आएगा या ये एम साइलेंट हो जाएगा? नहीं नहीं एन भी साथ स्पीक होगा, ये इसको हम स्पीक करेंगे निन हाओ. निन हाओ गॉट इट. ये नीचे वाला जी वो करते हैं जी, ये मन है, मन जो सा ये हम प्लूरल के लिए यूज करते होते हैं जब एक से ज्यादा हो. नीमन नीमन मीन यू प्लूरल के लिए, नीमन हाओ जब एक से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं हेलो. नीमन हाओ गॉट इट. जब एक से ज्यादा पर्सन, फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में बैठे हैं और आप एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं और बाहर से टीचर आता है चाइनीज टीचर, तो वो आप सबको कहेगा नीमन हाओ हेलो, तो आप सब आंसर करेंगे नी हाओ गॉट इट. गॉट इट. इज इट इजी? इजी है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं? नहीं ओके दैट्स गुड. ओके जी नेक्स्ट थोड़ा सा सॉरी जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक की तरफ. ये टेक्स्ट थ्री है लेकिन ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, फर्स्टली हम थोड़ा सा ये करते हैं. अब चाइनीज की बेसिक की तरफ मैं आ रहा हूँ कि चाइनीज की बेसिक क्या है. कोई भी लैंग्वेज लर्न करनी है उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई बेसिक होती है, तो चाइनीज में भी हमारे पास इसके थ्री बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमारा बेसिक फोकस होगा. चाइनीज में भी हमारे पास इसमें थ्री बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं. फर्स्टली जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं इनिशियल, और सेकंड जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं फाइनल्स, और एक थर्ड कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं टोन्स. टोन्स इनिशियल फाइनल्स एंड टोन्स. अब देखिएगा जब हम इंग्लिश में कोई वर्ड बनाते हैं तो आपको इंग्लिश टीचर ने टीच किया होगा कि हमें वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स चाहिए होते हैं, जब वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को आप मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है. तो सेम एज मैनर जो इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते थे, अगेन जो इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते थे उन्हें हम चाइनीज में कहते हैं इनिशियल्स. जो हमारे पास इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते थे उन्हें हम चाइनीज में कहते हैं इनिशियल्स, और जो हमारे पास इंग्लिश में वावल्स होते थे उन्हें हम चाइनीज में कहते हैं फाइनल्स. जी सकलैन दोबारा ये शेयर कीजिएगा मैंने जो भी आपके साथ जी. इनिशियल क्या होते हैं? जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको चाइनीज में इनिशियल्स कहते हैं, और जो इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं उनको हम फाइनल्स कहते हैं चाइनीज में. फाइनल्स कहते हैं, वेरी गुड वंडरफुल. नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं टोन. टोन जैसे हम उर्दू में हमारे पास जबर जेर पेश होता है तो हम जबर को चेंज कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अगर पेश लगा दें उसी वर्ड के ऊपर उसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा, अगर जबर जेर पेशिन में से कोई भी हम चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो सेम एज मैनर चाइनीज में भी कुछ हमारे पास सिंबल्स होंगे
कुछ हमारे पास इस तरह के सिंबल होंगे, कुछ हमारे पास इस तरह के सिंबल होंगे, कुछ इस तरह के होंगे और कुछ इस तरह के होंगे। ये 4 सिंबल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ये हमने लर्न करना है टोन्स में। अगर ये 3 हमें कंपोनेंट्स आ गए तो आप इसे समझिए कि आपको चाइनीज स्पीक करना, रीड करना आ जाता है। तो इसकी हम बेसिक की तरफ फर्स्टली हम मूव करते हैं इनिशियल्स की तरफ, जो मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स कहा था। तो मैं ये 7 उर्दू में भी राइट करूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो। अगर आप वैसे अंडरस्टैंड करते हैं तो दैट्स गुड, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं उर्दू में भी राइट कर दूंगा 7। जी सॉरी, ओके जी। ये बी है तो बी को हम चाइनीज में प्रोनाउंस करते होते हैं। यहाँ देखिएगा, हम वैसे तो बी को बे के साथ प्रोनाउंस करते हैं, बीइंग एन इंग्लिश स्पीकर, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो चाइनीज में बी को 2 साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है। बी को बे से भी प्रोनाउंस किया जाता है, बो और पो। बू पो और पी को हम प्रोनाउंस करते हैं थे के साथ, फो। गॉट इट? गॉट इट। ओके, नेक्स्ट एम, एम को हम करते हैं जी मीम के साथ, मो। और एफ को हम करते हैं फो। लिसन कीजिएगा, बू पू फू मू फू। अब आप मेरे से स्पीक कीजिएगा सकलैन, बू बू पू फू फू मू फू फू। वेरी गुड, वंडरफुल, एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट देखिएगा डी, डी को हम स्पीक करते हैं ते के साथ, तो तू। और टी को हम स्पीक करते हैं थे के साथ, थू थू थू। और एन को स्पीक करते हैं नून के साथ, नू नू। और एल को हम सलाम के साथ करते हैं, तो इसको आप स्पीक करेंगे लो। तू में से स्पीक कीजिएगा, तू थू नू लो। वंडरफुल, एक्सीलेंट जी। ये जी को 2 साउंड से स्पीक किया जाता है, जी अल्फाबेट्स को, काफ और गाफ से। तो ये मैं दोनों राइट कर देता हूँ। आगे हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जहां पे इसको काफ से भी स्पीक किया जाएगा और गाफ से भी किया जाएगा। तो अगर कोई चाइनीज काफ के साथ स्पीक कर रहा हो या गाफ के साथ, तो आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। को और गो, को और गो, के को खे के साथ, ये आप राइट कर रहे हैं साथ? जी जी, ओके। के को खे के साथ खो। और एच को हे और खे के साथ हम स्पीक करते होते हैं, हो और हो, हो और हो। अगेन मेरे साथ स्पीक कीजिएगा, को को कू और गू से जी, के और को खू, को खू से, एच को हु और खू, हु और खू। वंडरफुल। और जे, जे को हम स्पीक करते हैं जीम और चे से। तो मैं जस्ट ना, नो नो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जी और ची, जी और ची जी। और जो क्यू है इसको हम स्पीक करते हैं छी। और एक्स जोन्स है इसको हम स्पीक करते हैं सीन और शीन से। एक्स को सीन और शीन से स्पीक करते हैं। ये मैं स्पीक करता हूँ, आप लिसन कीजिएगा, जी ची ची शीन सीन।
अब ये जो मैंने उर्दू में राइट किया है, इसको आपने राइट चाहे ना भी करें, अगर आप डिफिकल्टी होती है देन आप राइट कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो ये अल्फाबेट्स पे है, किसको प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है। तो ये आपने इसकी जो साउंड्स हैं अल्फाबेट्स की, वो आपने जुबानी रिमेम्बर रखनी है, ये उर्दू में आप नहीं रखेंगे, आप जुबानी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बल्कि अभी मैं आपके साथ भी प्रैक्टिस करता हूँ, आपको करवाता हूँ, तो अभी आप स्पीक भी करेंगे। सो इसके बाद भी आपने ये स्पीक करना है, जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये अल्फाबेट्स को किस तरह स्पीक किया जाता है, तो तब तक आपको ये लैंग्वेज डिफिकल्टी लगेगी। जब आपको सारे अल्फाबेट्स आ गए तो कोई भी वर्ड्स आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप उसको स्पीक कर सकेंगे। सो ये जी मेरे साथ स्पीक कीजिएगा, सकलैन बू जी, बू और पू पू फू, आगे फू मू मो फू, आगे वंडरफुल तू 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 नू लू, वंडरफुल कू गू, के से खू, एच से हू और खू, आगे जे से जी और ची, आगे क्यू से छी, एक्स से सीन और शीन। सीन और शीन, वंडरफुल, एक्सीलेंट। अब मैं इसको अक्सर रेज अल्फाबेट्स कर, सिर्फ इतने ही हैं या और भी, मतलब जेड के वाली साउंड भी है या और भी चीजें हैं? नहीं, और भी हैं, वो नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे। ये है कि ये ये थोड़ा थोड़ा सिर्फ करके इनिशियल्स करेंगे में हैं। जी, इनिशियल्स और फाइनल्स, ये भी और भी रहते हैं, वो हम जी नेक्स्ट बिल्कुल, लेसन में भी करेंगे। क्योंकि ये है कि अब थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो वो इजीली स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना वो अगर करेंगे तो थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। ओके जी, ये मैं इसको रिमूव कर दूं, स्प्लैन कोई प्रॉब्लम तो जी नहीं है, जी इसको कोई जुबानी प्रॉब्लम स्पीक कर लेंगे। जी कर लेंगे। ओके चलें, अभी हम स्प्लैन से जुबानी स्पीक करवाते हैं। जी सकलैन आप स्पीक कीजिएगा सारे इनिशियल या को। एक एक करके पूछेंगे? बी जी ये सबको आप स्पीक करें, रो वॉइस। से बू और पू, पी से फू, एम से मू, एफ से फू, आगे आ गया डी, डी से क्या था? जी डी को ते से हम प्रोनाउंस करते हैं, तो तू, आगे टी से थू, एन से नू और एल से लू, जी से फू और गू, के से खू, एच से हू और खू, जे से जी और ची, क्यू से छी, एक्स से सीन और शीन। वंडरफुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि सकलैन को तो अभी से चाइनीज आ गई है। सो नेक्स्ट जी, काफी मतलब इन्होंने इम्प्रेस किया है। सो हम नेक्स्ट जी फाइनल्स की तरफ भी मूव करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई सकलैन? इजी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजी लग रहे हैं फिलहाल तो। हाँ, नहीं, आगे भी इजी है, ये इंग्लिश से बहुत इजी है आई थिंक। ये जो मतलब क्यों टेस्ट जो इसका होगा वो एमसीक्यूज होंगे या वहां पर सवाल राइट करने होंगे? कौन सा टेस्ट आपने, ये यूनिवर्सिटी का देना है या कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ एचएसके का, उसका आपने यूनिवर्सिटी देना का है? देना है। यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का वो हम देखते हैं कि उसकी क्या आउटलाइन क्या है, लेकिन बेसिक जो है ना वो यही है, हम इसको फॉलो अप करते हैं। तो मैं नासिर साहब से लेता हूँ कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी और उसका क्या सिलेबस है, ताकि हमें सिलेबस का आइडिया हो, उसके अकॉर्डिंगली जी मैं जी फिर प्रिपेयर करवाऊंगा। लेकिन ये है कि बेसिक जो से वो करें या ये करें, बेसिक यही रहेगी इसकी, ठीक है? तो हम इसको इंशाल्लाह जी ठीक फॉलो है अप जी। करते हैं अभी। तो उसको भी मैं देखता हूँ कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या क्या है, सारा वो हम डिटेल लेते हैं। जी ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है आई। आई को हम स्पीक करते हैं ये के साथ, ये
छोटी ये के साथ। नेक्स्ट यू है, इसको वो, इसको वाओ के साथ स्पीक करते हैं, वो ये जो यू है जिसके ऊपर कोई डॉट्स नहीं है इसे हम वाओ के साथ स्पीक करते हैं वो, और जिसके ऊपर टू डॉट्स हैं इसको हम स्पीक करते हैं यू, सिंपल जैसे हम करते होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ई आर, इसको हम स्पीक करते हैं आर, ई आर को आर, और जो ए है इसको हम स्पीक करते हैं अलिफ मदा के साथ आ, और जो आई ए है इसको हम स्पीक करते हैं या, और जो यू ए है अब देखें ये यू जोन सा है इसके ऊपर डॉट्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या स्पीक किया था वाओ के साथ, तो यहाँ पे इसको हम नो इसको हम स्पीक करेंगे वा, वा। साथ राइट भी करते जी 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 अच्छा मैं राइट करूँ उर्दू में जी जी ठीक है ओके जी चलिए मैं राइट भी कर देता हूँ हुआ आएगा हुआ जी ये मैं राइट कर रहा हूँ उसको हम देखते हैं ये जी है और ये जो है इसको हम स्पीक करेंगे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जी इसको हम स्पीक करते हैं वो, और इसको जो जिसके ऊपर टू डॉट्स होंगे ये हम आगे जाकर करेंगे कि टू डॉट्स का क्या मीनिंग है, लेकिन अभी आपने क्योंकि हमारा जस्ट फोनेटिक्स पे अभी वर्क हो रहा है तो मतलब फोनिक्स आपने साउंड को लर्न करना है तो जस्ट आप साउंड को इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको हम स्पीक करते हैं यू और इसको स्पीक करते हैं आर ई आर आर, और ये है ए इसको हम स्पीक करते हैं सॉरी ओके इसको हम स्पीक करते हैं आ या वेरी गुड, और इसको हम स्पीक करेंगे वुआ जी, और इसको हम स्पीक करेंगे ओ ओ वो ओ एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहां से वो ओ अलिफ और हमजा है ये यू ओ को सिर्फ वो पढ़ना है जी या ये क्या आई ई ई जोन से अलिफ अलिफ और हमजा आ या यू 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 आए आए वाए Y A Y
वही आओ याओ जी राइट कर लिए जी ओके चलिए आप मेरे साथ स्पीक कीजिएगा यी वो यू आर आर यी वो यू आर आ या वा उ वो आ इसके यहाँ पे शॉर्ट आप स्पीक करेंगे आ आ या यू यू अगेन आ नो अगेन यहाँ पे ई पे आ या यू यू आए वाए आए आए वाए ए ए ए ए वाई 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 आओ आओ याओ याओ ओके जी इसको आप स्पीक कीजिएगा ये वो यू आर आ या वा आओ वाओ आओ वो आ या यो आए वाए ए वोई आओ याओ जी हेलो आवाज आ रही है मेरी जी जी ओके जी एक्चुअली सॉरी एक कॉल आ गई थी इमरजेंसी सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा स्टॉप किया है सो जी अगेन से क्लैन आप स्पीक कीजिएगा ताकि जो भी मिस्टेक है हम उसको इम्प्रूव करें ये मैं यहाँ से रिमूव भी कर रहा हूँ ताकि देख के ना पड़े आप कोई बात जी जी ओके कंटिन्यू कंटिन्यू ये वो यू आर आ या वाओ वा वा ओ वो ओके आगे ई का शॉर्ट में आ या यू वंडरफुल एक्सीलेंट आए वाए हम ए वोई
आओ याओ याओ, वंडरफुल, एक्सीलेंट, वंडरफुल, दैट्स गुड जी, बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैंने मतलब आपके जो फोनिक्स सुने हैं बहुत मतलब अच्छे से आपने स्पीक किए, जैसे सेम एज चाइनीज स्पीक करते हैं। सो ये बेसिक अल्फाबेट फोनिक्स जो उनसे होती हैं, तो इसमें ये कुछ ऑडियोज मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको लिसन कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप ये इसको लिसन कीजिएगा। ये मतलब आप इसको ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं और वो ऑडियोज को लिसन करेंगे और इसके साथ साथ आप सुनते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टोन का पार्ट है। तो टोन का हम जब नेक्स्ट हमारा इवनिंग में इंशाल्लाह लेक्चर एक रख लेते हैं तो उसमें हम टोन्स का डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक सो ये आपके लिए अभी अभी के लिए काफ़ी है इसको, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आप अच्छे से करें। सो नेक्स्ट जो इवनिंग में हमारा लेक्चर होगा उसको हम देखते हैं, उसको हम लेकर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो टोन्स का होगा। टोन्स के बाद ये आप करेंगे जो खुद आपने करना है, और उसके बाद हम ये करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, वोकैबरी है, ये मैं आपको करवाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और वोकैबरी आ जाएगी और यहाँ तक ये हमारा लेसन वन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये चाइनीज करेक्टर भी हैं जो आप चाइनीज देखते हैं ना, वो लिखी हुई लाइक ये देखें, ये आपके पास रिटर्न है, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ज़रूर ये भी आपको मैंने साथ साथ करवानी है, ताकि सिर्फ ये नहीं करें बल्कि वो साथ साथ वो करें। चाइनीज में दो सिस्टम्स होते हैं, एक तो ये वाला जो इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, और दूसरा ये करेक्टर्स में होता है। इंग्लिश में ये जो होता है ये मंडेरियन सिस्टम है कि इसको इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं और उसको डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है, और ये करेक्टर होता है ये सिर्फ राइटिंग के लिए होता है। ये स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग तीनों के लिए ये चाइना में आपको मिलेगा। अगर कुछ चाइनीज करेक्टर में लिखा हुआ है तो उसके साथ पिनिन भी लाजमी लिखी होगी, तो इसलिए आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आज की जो हमारी मीटिंग है ये अभी एंड होने वाली है, तो इसके बाद अगर आप कहते हैं तो दोबारा हम स्टार्ट कर लेते हैं या इवनिंग में हम स्टार्ट करें जी। इससे क्लैन क्या कहते हैं जी, जैसे आप कहें हम तो अभी इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा चलें आप इसको रिवाइज करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह इवनिंग में दोबारा लेक्चर फिर करते हैं, ठीक है। इवनिंग किस टाइम तक? इवनिंग में जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कोई, या ऐसे कर लेते हैं कि कभी लंच का टाइम होने वाला तो लंच करके फिर मैं